हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन एंड बहुत टेस्टी सा और बहुत इजी रेसिपी है। तो आइए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले हम कट कर लेंगे प्याज को। प्याज हमें कुछ इस तरीके से कट करना है जो लंबे स्लाइस में कटे, और शिमला मिर्च को जब कट करेंगे हम तो इसके अंदर का बीज निकाल लेंगे, देन इसे भी हम लॉन्ग इसमें कट कर लेंगे वर्टिकल इसमें, देन ये डेकोरेट के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत टेस्टी सा बनता है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप बेल आइकॉन को क्लिक कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, हम टमाटर को भी वैसे ही कट कर लेंगे वर्टिकल साइज़ में, देन हम सारी कटिंग्स कर लेंगे। और ये कट करने के बाद अब हम रेडी करते हैं पिज़्ज़ा को। तो पिज़्ज़ा बेस हमारा रेडी है, तो हमारे पास जो भी मटेरियल रखा हुआ है वो ऑर्गिनो है, चिली फ्लेक्स है जो हमने घर में रेडी किया हुआ है, पिज़्ज़ा सॉस है, टमाटर कट कर लिया है, शिमला मिर्च कट कर लिया है और प्याज निप को भी हमने कट कर लिया है, और चीज़ का हमारे पास क्यूब है। तो चलिए, हम बनाने वाले हैं इसे कढ़ाई में। तो हमने इसे हीट में रख दिया हुआ है गर्म होने के लिए। तो अभी हम रेडी कर रहे हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा में हम लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को हम बहुत अच्छी तरीके से फैला लेंगे, देन उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं ऑर्गिनो। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें यूज़ कर सकते हैं, जितना स्पाइसी हो या जितना लाइट आप खाते हो उस हिसाब से। देन हमने डाला है अभी इसमें चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें हम कद्दूकस कर रहे हैं चीज़ को। चीज़ को हमें अच्छे तरीके से कद्दूकस करके फैला लेना है, देन इसके बाद हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमने कट करके रखे हुए हैं। कद्दूकस हमारा हो चुका है। कद्दूकस होने के बाद हमने जो वर्टिकल साइज़ में प्याज कट किया था उसे हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे, ज़्यादा कम, जिस टाइप आप खाते हो उस हिसाब से आप इसमें फैला सकते हैं। देन इसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी शिमला मिर्च। आप चाहे इसमें लाल भी यूज़ कर सकते हैं, येलो भी आती है तो येलो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें ग्रीन यूज़ किया हुआ है। तो इसे भी हमने अच्छे तरीके से फैला दिया है, रख दिया है। देन इसके बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को भी कुछ इस तरीके से हमें फैलाना है। तो देखिए कितना मस्त सा दिख रहा है, और ये जैसे दिख रहा है वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए, अब इसमें हमने टमाटर को भी रख दिया है। टमाटर को रखने के बाद वापस हम इसमें डालेंगे ऑर्गिनो हल्का सा, एंड डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। ये हमें देख के डालना है स्पाइसी के हिसाब से। तो देखिए, अभी इसे हम डाल दिया है, वापस हम इसमें कद्दूकस कर रहे हैं। चीज़ जितना ज़्यादा डलेगा उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, और जब तक चीज़ ना हो तब तक पिज़्ज़े का मज़ा ही नहीं है। तो चीज़ को कद्दूकस कर लिया है, तो अभी इसे हम रख देते हैं जिस बर्तन में हम रखने वाले हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसके अंदर हमने रिंग रखा हुआ है, देन रिंग के ऊपर हम इसमें पिज़्ज़ा को रख रहे हैं। इसे हमें ढक देना है, और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, देन इसके बाद ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। सेकेंड पिज़्ज़ा हम बनाने वाले हैं पनीर पिज़्ज़ा। तो सेम प्रोसेस ही है, बट इसमें हम डालने वाले हैं पनीर। तो मैंने इसमें पहले टमाटर सॉस लगाया। टमाटर सॉस लगाने के बाद इसमें हमने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसमें वापस हमने डाला है ऑर्गिनो एंड चिली फ्लेक्स। देन वापस इसमें चीज़ को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हम इसमें सेम वर्टिकल कट्स में जो प्याज कटिंग किया हुआ था वो हम रख देंगे इसमें, एंड ग्रीन शिमला मिर्च जो कट की हुई है वो रख देंगे हम इसमें, और वापस टमाटर जो कट किया हुआ है वो भी हम रख देंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, एकदम डोमिनोज वाली पिज़्ज़ा लगता है। और ये बनाने में भी बहुत इजी है, बहुत झटपट सा है, जब मन करे तब अभी से हम बना सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है पिज़्ज़ा की, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग ने जो पिज़्ज़ा बनाया था वो कैसा बना है। तो देखिए, सारा टॉपिंग्स हमने डाल दिया है, इसके ऊपर हमने डाल दिया है कद्दूकस किया हुआ पनीर, ये भी हमारा होममेड पनीर था, तो इसे भी हमने अभी इसमें डाल दिया है। तो वापस इसमें हम डाल रहे हैं अभी
ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, और इसमें फिर से हम करेंगे चीज़ को कद्दूकस। जैसा मैंने बोला है कि ये जब तक चीज़ ना हो तब तक पिज़्ज़ा खाने में का मज़ा ही नहीं है। तो देखिए अब इसमें डल चुका है चीज़, तो अभी इसे भी हम रख देते हैं बेक करने के लिए सेकंड कढ़ाई में, जिसमें हमने रखा है रिंग, रिंग के ऊपर हम इसमें रख देंगे। तो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपने ट्राई किया तो वो कैसा बना वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो देखिए हमारा पिज़्ज़ा अब फर्स्ट वाला रेडी हो चुका है। तो देखिए कितना टेस्टी सा लग रहा है, इसका चीज़ भी कितने मस्त से पिघल चुका है, और सेकंड वाला पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए ये भी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, एकदम मस्त सा, और इसका भी चीज़ देखो कितने अच्छे तरीके से पिघल चुका है ना। ये बहुत टेस्टी से रेसिपी विदाउट ओवन। तो देखिए ये हमारा डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा, वो भी होममेड। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये भी पिज़्ज़ा कैसा बना हुआ है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साईं राम। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए।